बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री क्या है अपकमिंग मूवीज के फ्रेश एंड न्यू अपडेट आपको मैं बताऊंगी आज के इस वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग अ मिनट लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो, यू वाचिंग बज़ूका रिव्यूज और मैं हूं आपके साथ अलमास सिद्दीकी। फर्स्ट हॉट न्यूज फ्रॉम बॉलीवुड फॉर यू गाइस। कल की 2898 एडी का एक हफ्ते बाद भी जादू बरकरार, फिल्म ने की तगड़ी कमाई। कल की 2898 एडी को रिलीज हुए आज एक हफ्ते पूरे हो गए हैं और फिल्म ने शुरुआती दिनों से ही काफी अच्छा परफॉर्म किया है, जहां पर सभी स्टार्स के परफॉर्मेंस को काफी ज्यादा पसंद किया गया है। इसी के साथ साथ डायरेक्टर नाग अश्विन की भी खूब तारीफ की गई है और फिल्म ने पहले दिन ही बम्पर कमाई की थी। इसी के साथ साथ आज फिल्म को रिलीज हुए एक हफ्ते भी पूरे हो गए हैं और इस फिल्म ने पूरे हफ्ते में 370 करोड़ का कारोबार किया है। वरुण धवन और एटली की अपकमिंग फिल्म बेबी जॉन इस साल की मोस्ट अवेटेड मूवीज में से एक है, जहां पहले इस फिल्म को मई के मंथ में रिलीज किया जाना था, लेकिन अब फिल्म को 25th ऑफ दिसंबर को रिलीज किया जाएगा। इसकी डेट पोस्टपोन कर दी गई है और अब फिल्म से जुड़ा एक और अपडेट सामने आया है। बताया जा रहा है कि इस फिल्म में सलमान खान का एक स्पेशल अपीयरेंस होगा, जिसे जानने के बाद फैंस का एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर है। साउथ सुपरस्टार यश इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म टॉक्सिक को लेकर सुर्खियों का हिस्सा बने हुए हैं और 2024 से लेकर 2025 तक उनकी कई सारी फिल्में अपकमिंग हैं। आपको बता दें कि फैंस जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वहीं उनकी अपकमिंग फिल्मों की लिस्ट भी सामने आ गई है, जहां पर केजीएफ चैप्टर 3 के बाद टॉक्सिक को छोड़कर भी कई सारी फिल्में लिस्ट में बनी हुई हैं। चलिए जल्दी जल्दी बताते हैं यश की अपकमिंग फिल्मों की लिस्ट। अपनी अपकमिंग फिल्म टॉक्सिक की शूटिंग में यश इन दिनों काफी ज्यादा बिजी है, जिसे 2025 में रिलीज किया जाएगा। केजीएफ और केजीएफ चैप्टर 2 के बाद अब केजीएफ का थर्ड पार्ट आना तय है। इसी के साथ साथ यश हमें रामायण में भी नजर आने वाले हैं। सलमान खान के साथ बब्बर शेर को लेकर कबीर खान ने तोड़ी चुप्पी, कैटरीना कैफ को लेकर कही बड़ी बात। भाईजान सलमान खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म सिकंदर की शूटिंग में काफी ज्यादा बिजी हैं, वहीं दूसरी तरफ कबीर खान ने बब्बर शेर पर अपनी चुप्पी तोड़ दी है। दरअसल कई दिनों से ये खबरें सामने आ रही थी कि बब्बर शेर में सलमान खान के साथ कैटरीना कैफ हमें नजर आएंगी और इन सारी बातों पर अब कबीर खान ने चुप्पी तोड़ दी है और उन्होंने कहा है कि ये सारी बातें अफवाह हैं, इस पर हमने अभी कोई भी काम शुरू नहीं किया है। और आपको बता दें कि बब्बर शेर कबीर खान की मोस्ट अवेटेड मूवीज में से एक है। परिणीति चोपड़ा ने अमर सिंह चमकीला को लेकर कही बड़ी बात, कहा नकली नहीं है फिल्म की कमाई। बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा इन दिनों अपनी फिल्म अमर सिंह चमकीला की सक्सेस से बहुत ज्यादा खुश हैं। इस फिल्म में हमें उनके साथ दिलजीत दोसांझ भी देखने को मिले थे और इस फिल्म ने अच्छी खासी कमाई भी की थी। और इस बात पर परिणीति चोपड़ा ने कहा है कि ये फिल्म लाइफ टाइम अचीवमेंट की तरह है, जो जल्दी किसी को नहीं मिलता है और ना ही ये कोई पब्लिसिटी स्टंट था और ना ही इसकी पब्लिसिटी फेक है, यानी कि ये सब कुछ सारा का सारा रियल है। वन मोर अपडेट फ्रॉम हॉलीवुड इंडस्ट्री फॉर यू गाइड। धमाकेदार शुरुआत करेगी डेडपूल एंड वुल्वरीन, बनाएंगी तगड़े रिकॉर्ड्स। हॉलीवुड के फेमस एक्टर रियान रेनॉल्ड्स एंड ह्यूग जैकमैन की स्टारर फिल्म डेडपूल एंड वुल्वरीन को लेकर फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं और मेकर्स भी फिल्म से जुड़ा कोई ना कोई अपडेट सामने लाते रहते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म शानदार कमाई करने वाली है और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि फिल्म रिलीज से पहले ही कई सारे रिकॉर्ड्स बना सकती है, जिसका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसी के साथ साथ इस फिल्म को 26 जुलाई को रिलीज किया जाना है, जहां देखना ये होगा कि ये फिल्म अपनी उम्मीदों पर कितनी खरी उतर पाती है। तो ये थी दिन भर की तमाम छोटी मोटी खबरें। वेल, आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन सबसे ज्यादा अच्छी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।